चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर प्रयागराज से है। सलेमसराय बाजार में फायरिंग हुई है और फायरिंग के दौरान जो है गवाह को गोली लगी। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह को गोली लगी है। उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। धूमगंज थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं। सलेमसराय बाजार में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के दौरान राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह को गोली लगी है। उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। धूमगंज थाना इलाके का ये मामला है। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमेश पाल को गोली लगी। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह को गोली लगी है। सलेमसराय बाजार में फायरिंग की घटना हुई और इस दौरान घटना में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह को गोली लग गई। घटना के बाद उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पर पुलिस बल भी पहुंचा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। धूमगंज थाना इलाके का मामला है। प्रयागराज से ये खबर। सलेमसराय बाजार में फायरिंग की घटना हुई। राजपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह को गोली लगी है। उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। धूमगंज थाना इलाके का मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सलेमसराय बाजार में फायरिंग की घटना हुई, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? थाना इलाके के सलेमसराय बाजार में कई राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोली लगी है। गोली लगने से लोगों में दहशत का माहौल है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं उमेश पाल। एसआरएन अस्पताल में घायल उमेश पाल को भर्ती कराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। जी, मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई? उनकी प्रतिक्रिया अभी कुछ मिल पाई? हो नहीं पाई है, लेकिन मौजूद है। लगभग अभी कुछ देर में उनसे बातचीत होगी। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।